हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर और अनुष्का के रिश्ते की बात कल रात राजवीर की बहन मयूरा ने राजवीर से कही थी, इसलिए राजवीर को पता था उसकी शादी अनुष्का से होने वाली है। राजवीर इस बात से बहुत खुश था, पर वो अनुष्का से नाराज था क्योंकि अनुष्का ने बिना राजवीर को बताए किसी अनजान से शादी करने का फैसला लिया था। नसीब से वो अनजान कोई और नहीं बल्कि राजवीर था, इसलिए राजवीर कल रात अनुष्का को डरा कर आया था। आज अनुष्का और राजवीर की इंगेजमेंट थी जो थोड़े ही लोगों में होनी थी, क्योंकि पिछले बार अनुष्का का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए सबने मिलकर अपने करीबी लोगों के साथ ही इंगेजमेंट पार्टी करने का फैसला किया। अनुष्का आज ब्लू कलर के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अनुष्का को काव्या तैयार कर रही थी। अनुष्का जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो काव्या देखती ही रह गई और काव्या ने अनुष्का से कहा, जीजू ने अब तुम्हें देखा तो कहीं पागल ना हो जाए, तुम कित खूबसूरत लग रही हो। अगर जीजू तुम्हें ऐसे देखेंगे तो आज ही सुहागरात मनाएंगे, काव्या ने अनुष्का को छेड़ते हुए कहा। अनुष्का को छोड़कर सबको पता था कि अनुष्का की शादी राजवीर से होनी है, तो अनुष्का काव्या से पूछती है, वैसे मैंने अभी तक उनका नाम भी पूछा नहीं, बता क्या नाम है उनका। तो काव्या कहती है, सब्र का फल मीठा होता है, अब खुद की आंखों से ही देख लियो, वैसे भी आज तो वो आएंगे ही। दूसरी तरफ राजवीर ने भी अनुष्का के ड्रेस को मैचिंग करता हुआ सूट पहना था। राजवीर उसमें काफी हैंडसम लग रहा था। तभी उसके पास समीर आता है और राजवीर से कहता है, वाह मेरे भाई, आज तो भाभी तुझ पे लट्टू हो जाएगी, आखिरकार तुम दोनों शादी कर रहे हो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। तभी सब लोग हॉल में पहुँच जाते हैं। अनुष्का जैसे ही हॉल में आती है तब सारे नज़र अनुष्का की तरफ अनुष्का को ही देखती रहती है। अनुष्का बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनुष्का के आने के बाद राजवीर भी वहां आता है। अनुष्का राजवीर को देखकर शॉक होती है। राजवीर धीरे धीरे से चलकर अनुष्का के पास आता है और अनुष्का के साथ खड़ा होता है। अनुष्का धीरे से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज मेरी इंगेजमेंट है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। ये कहकर अनुष्का ने अपने हील राजवीर के पैर पर दे मारी। राजवीर को अनुष्का की इस हरकत पर गुस्सा आया तो उसने अनुष्का को कमर से कसकर पकड़ा और उसे धीरे आवाज में कहा, मैं इसका बदला शादी के बाद वसूल लूंगा। ये कहकर राजवीर ने अनुष्का के कमर पर जोर से चुटी काटी। राजवीर की इस हरकत पर अनुष्का राजवीर की ओर गुस्से से देखती है और कहती है, मैं थोड़ी तुमसे शादी करूंगी, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुमसे शादी मैं करूंगी। तब राजवीर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर कहता है, होने वाली घरवाली, मैंने पूरा हिसाब किया है, तुमने मुझे कितना तड़पाया है, अब तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच लेना, आज से तुम मेरी हो। और हाँ मिसिस राजवीर खुराना, आज से मेरी आदत ढाल लो। तभी राजवीर की दादी दोनों को बुलाती है और अंगूठी की रस्म होती है। अनुष्का पूरी तरह से शॉक थी, अनुष्का अपना हाथ भी आगे नहीं कर रही थी। तब राजवीर ने खुद अनुष्का का हाथ खींचते हुए उसमें अंगूठी डाल दी और अनुष्का के पास आकर कहा, वाइफी क्या हुआ। अनुष्का बस चुपचाप राजवीर को देखे जा रही थी। तभी राजवीर अनुष्का को छेड़ते हुए कहता है, इतना मत देखो मुझे, अब मैं तुम्हारा ही तो हूँ, वैसे मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर सबके सामने ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता, चाहे तो हम अकेले बाहर जा सकते हैं। तभी अनुष्का असलियत में वापस आती है और राजवीर से पूछती है, तुमने मेरे साथ इंगेजमेंट कैसे की। तभी राजवीर हंस के कहता है, तुम बेवकूफी रहोगी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही किसी का होने दूंगा, और तुम किसी से भी शादी कर लोगी और मैं देखता ही रह जाऊंगा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तुम चाहो या ना चाहो। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, इसका मतलब मेरी शादी तुमसे होने वाली है, पर ये मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने, ये मैंने क्या किया, तुम्हें हाँ कहकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अब मेरा क्या होगा। अनुष्का अपनी किस्मत को कोस रही थी। अनुष्का को दूसरी तरफ राजवीर के घर वालों का बहुत प्यार मिल रहा था।
अनुष्का को उसकी माँ की कमी हमेशा खलती थी, पर राजवीर की माँ अनुष्का से अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। राजवीर की माँ पूनम जी अनुष्का से कहती है, बेटा अब तुम्हारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो अब तुम्हें जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। कल तुम राजवीर, काव्या, मयूरा, समीर के साथ शॉपिंग के लिए जाना और तुम्हें जो पसंद आए वो सब ले लेना। और ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम इससे 50 लाख की शॉपिंग कर सकती हो। अगर तुम्हें और भी शॉपिंग करनी होगी तो राजवीर से कार्ड ले लेना, मैं उसे कह दूंगी। तभी अनुष्का कहती है, पर आंटी मैं ये नहीं ले सकती। तभी राजवीर के पापा नरेन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, बेटा ले लो कार्ड, वैसे भी ये किसी को कार्ड नहीं देती, फ़ायदा उठा लो, नहीं तो पूनम का मन बदल जाएगा। राजवीर के पापा उसकी माँ को छेड़ते हैं और अनुष्का को कार्ड लेना पड़ता है। तभी वहाँ पर राजवीर आता है और उसकी माँ से कहता है, राजवीर कल तुम शॉपिंग जा रहे हो अनुष्का के साथ, और हाँ तुम्हें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो देख लेना, और मेरी बहू को ज़्यादा तंग मत करना। पूनम जी की बात सुनकर अनुष्का उनको गले लगाती है और उनको कहती है, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। अनुष्का की बात सुनकर पूनम कहती है, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम पर ना प्यार लुटाऊं तो किस पर प्यार लुटाऊं, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी पर ये राजवीर हो गया, पर कोई बात नहीं, उसकी वजह से मुझे एक बेटी तो मिल गई। इस पागल ने तुमको पसंद करके पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। पूनम जी की बात सुनकर अनुष्का जोर से हंसने लगी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर अगले दिन तैयार होते हैं, तभी उनके पास समीर और काव्या और मयूरा आती है। बड़े एक्साइटेड होकर कहते हैं, तो चलो अब हमें जाना चाहिए शॉपिंग पे। तभी काव्या अनुष्का से कहती है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए, हमें बस तुम दोनों के लिए अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े लेने हैं। वैसे अनुष्का कुछ भी पहने लगती तो खूबसूरत ही है, ये समीर कहता है। तो राजवीर समीर को घूर कर देखता है, तभी समीर अपनी बात को संभाल लेता है, अरे भाई वो आपकी ही है, मैं तो बस अपनी भाभी की तारीफ कर रहा हूँ। तभी सब लोग समीर की इस बात पर हंसने लगे। वे सब लोग शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर स्टोर जाते हैं। अनुष्का वहाँ पर पहली बार गई थी तो वो बड़े ही खुशी से सब देख रही थी। राजवीर अनुष्का की खुशी देखता ही रहता है। तभी अनुष्का की नज़र राजवीर पर जाती है और वो राजवीर से कहती है, क्या देख रहे हो मुझे। तभी राजवीर अनुष्का को चिढ़ाने के लिए कहता है, शादी के बाद तुम्हें खुश करना बड़ा आसान है, शॉपिंग का नाम सुनते ही तुम बच्चों की तरह खुश होती हो, तुम्हें मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी मुझे। अनुष्का राजवीर की इस बात पर मुस्कुरा देती है। तभी राजवीर की नज़र पिंक रंग के लहंगे पर जाती है और राजवीर अनुष्का से कहता है, तुम ये वाला लहंगा ट्राई करो। अनुष्का राजवीर की बात मानती है और ट्राई करने जाती है। कुछ देर बाद अनुष्का उस लहंगे में बाहर आती है और राजवीर उसे देखता ही रहता है। अनुष्का बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी राजवीर के पास उसकी बहन मयूरा कहती है, भाई अपना मुंह तो बंद कर लो, मुझे पता है आप भाभी से कितना प्यार करते हैं, आपकी तो अमानत है भाभी, आप उनको ऐसे देखते रहोगे तो उनको अजीब लगेगा। तभी राजवीर असलियत में आता है और अनुष्का से नज़रें हटाता है। अनुष्का अपनी शॉपिंग में लग जाती है। अनुष्का अपने हर फंक्शन के लिए खूबसूरत लहंगे चूज़ करती है और राजवीर भी उसे हेल्प करता है। तभी राजवीर की माँ का कॉल आता है और वो अनुष्का से कहती है, बेटा हम लोग कल ही तुम लोगों की शादी के लिए हमारी सिलेक्ट की हुई जगह फाइनल करने जा रहे हैं, तो अब के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो तुम लोग जल्दी से शॉपिंग पूरी करो और घर आकर पैकिंग करो। अनुष्का कहती है, हाँ माँ मैं सब काम जल्दी निपटा लेती हूँ। ऐसा कहकर अनुष्का जल्दी जल्दी में अपनी ज़रूरतों का सामान काव्या और मयूरा की हेल्प से कलेक्ट करती है और वो लोग घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी समीर राजवीर के कान में कहता है, भाई तूने तो भाभी के लिए सुहागरात का गिफ्ट तो नहीं लिया, अब चल हम कुछ खरीद लेते हैं। तभी राजवीर कहता है, मैं उसके लिए ऑलरेडी गिफ्ट लाया हूँ तो मुझे और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अनुष्का और राजवीर के घर वाले
अब शादी के लिए राजस्थान निकल जाते हैं। उन लोगों के साथ सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल थे। अनुष्का और राजवीर अपने प्राइवेट एरोप्लेन में बैठे थे, उनके साथ उनके घर वाले भी थे। बाकी के रिश्तेदार नॉर्मल फ्लाइट से राजस्थान जाने वाले थे। अनुष्का कल रात को शॉपिंग और पैकिंग की वजह से ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से थकी हुई दिखाई दे रही थी। तभी अनुष्का के पास अनुष्का की सासू माँ पूनम जी आती है और अनुष्का से कहती है, बेटा क्या हुआ तुमको जो ऐसी मुरझाई सी हुई हो? तब अनुष्का कहती है, माँ मैं कल रात से ठीक से सोई नहीं इसलिए ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब फ्लाइट में आराम करना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी राजवीर अपनी माँ को अनुष्का की केयर करते हुए कहता है, इनको मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं, सब लोगों को अनुष्का ही पड़ी है। अरे भाई मैं भी तो हूँ, यहाँ मेरा भी ख्याल रखना चाहिए ना। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर कहती है, मिस्टर राजवीर ये लोग अब मेरे घर वाले हैं तो तुम्हें इसकी आदत ढालनी पड़ेगी, माँ तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। राजवीर कहता है, ये भी सही है, दोनों मिलकर मुझसे बदला ले रही हो। दोनों बातें करते करते फ्लाइट में सो जाते हैं। मुंबई से राजस्थान जाने के लिए 3 घंटे में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। जब फ्लाइट राजस्थान पहुंच जाती है तब राजवीर की नींद खुल जाती है। तब राजवीर की नज़र अनुष्का पर जाती है जो राजवीर की बाहों में आराम से सो रही है। तब राजवीर मन में कहता है कि तुमने मुझे कितना तरसाया है इस दिन के लिए अनुष्का, अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं नहीं बल्कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तभी तो मेरे सीने पर सर रख के बेखौफ सोई हुई हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी याददाश्त की वजह से तुम मुझसे दूर हो, पर अब ज़्यादा दिन तुम दूर नहीं रह सकती। तभी उनके पास राजवीर की माँ आती है। अनुष्का को ऐसे सोता देख वो राजवीर से कहती है, उसको उठाकर कार में ले चलो, बेचारी बहुत थकी हुई थी, उसे उठाना सही से, राजवीर को तो मौका चाहिए था अनुष्का के पास जाने का। राजवीर हाँ कहकर अनुष्का को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार में अपनी बाहों में सुलाता है। आधे घंटे के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आते हैं। ये राजवीर का अपना खुद का होटल था। कार के अचानक से रुकने से अनुष्का की नींद खुल जाती है और अनुष्का अपने आप को राजवीर की बाहों में पाती है। अनुष्का काफ़ी हड़बड़ी में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ, और तुम इतने करीब क्या कर रहे हो मेरे साथ, तुम ना मुझसे दूर ही रहो, और हम लोग कहाँ हैं, फ्लाइट से हम कब उतरे? राजवीर अनुष्का को देखकर कहता है, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लाया हूँ। राजवीर के इस जवाब से अनुष्का शर्म से पानी होने लगती है और राजवीर से कहती है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? घर वालों के सामने कोई ऐसा करता है क्या? आप वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तभी राजवीर कहता है, क्या कहेंगे, देखेंगे कितना प्यार है दोनों के बीच, इतना ही कहा होगा। तभी अनुष्का राजवीर के इस बात पर जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ये शादी सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, तब तुम समझो कि तुम्हें मुझसे दूर रहना है। तुम मुझे ऐसे बिना मेरी परमिशन के हाथ नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर को गुस्सा आता है और राजवीर अनुष्का को खींचकर अपने ऊपर बिठाता है और उसे कहता है, क्या कहा तुमने, मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए, क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं? तो चलो अब तुम्हें मेरे सारे हक याद दिलाता हूँ। अनुष्का कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी तभी राजवीर अनुष्का के ऊपर टूट पड़ता है और उसे बेतहाशा किस करने लगता है। 10 मिनट के बाद अनुष्का को सांस नहीं आ रही थी, तब राजवीर ने अनुष्का को छोड़ दिया और उसके कॉलर बोन की तरफ बढ़ गया और उसे किस करने लगा। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, छोड़ो मुझे, हम लोग कार में हैं, किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे, शादी से पहले ये सब। राजवीर छोड़ो मुझे, अनुष्का की बात सुनकर राजवीर अनुष्का से कहता है, किसकी हिम्मत है जो राजवीर खुराना को ये सब कहे, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ हूँ तो किसकी मजाल है मुझे रोकने की। तभी अनुष्का कहती है, हाँ होने वाली बीवी अभी तक हुई नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर अपने आप को कंट्रोल करता है और अनुष्का से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। शर्त का सुनकर अनुष्का हैरानी से राजवीर को देखती है,
फिर गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ बोलो क्या चाहिए। तब राजवीर शरारत करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा एक किस चाहिए जो मुझे तुम करोगी। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का आंखें बड़ी कर देखती है, ये इंसान क्या करने को कह रहा है, मैं किस और वो भी तुमको नहीं करूँगी। ये कहकर अनुष्का कार से निकलने लगती है। तो राजवीर अनुष्का से कहता है, देख लो तुम मुझे किस नहीं दोगी तो हमारे कमरे पास में ही है, तो मैं तुम्हारे साथ एक किस किया और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का रुक जाती है और मन में कहती है, इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पागल सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेटा अनुष्का एक किस ही तो करना है, कर ले अपनी इज्जत प्यारी है तो। तभी अनुष्का राजवीर के पास आती है और राजवीर को एक प्यारा सा किस करती है। अनुष्का की याददाश्त जाने के बाद उसने पहली बार मजबूरी में ही सही राजवीर को किस किया था। अनुष्का राजवीर से अलग होती है और कहती है, बस अब मैं जा सकती हूँ। राजवीर ना चाहते हुए हाँ में जवाब देता है और अनुष्का पूरी तरह से लाल होकर कार से बाहर आती है। तभी अनुष्का की नज़र कार के काले शीशे पर पड़ती है और वो कहती है, बच गई, थैंक गॉड कार की शीशे काले हैं तो हमको किसी ने देखा नहीं होगा। अनुष्का इस बात से थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी राजवीर उसके पास आकर खड़ा होता है और अनुष्का के कमर में हाथ डालकर उसे अंदर ले जाता है। पर अनुष्का उसे कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। तब राजवीर कहता है, हाँ तो तुम मेरी बीवी हो, इतना तो मेरा हक है। राजवीर और अनुष्का जैसी होटल में पहुंच जाते हैं तो उस पर फूलों की बारिश होती है। वेलकम सर, यह कहकर सब लोग राजवीर और अनुष्का को अंदर ले जाते हैं। अनुष्का की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो राजस्थान के सबसे खूबसूरत होटल को देखती है तभी राजवीर उसके कान में कहता है, अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं ये तुम्हें गिफ्ट दे सकता हूँ। अनुष्का शॉक होकर ज़ोर से कहती है, क्या ये होटल तुम्हारा है। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, हाँ तो क्या हो गया। तब अनुष्का चक्कर खाकर गिर जाती है। अनुष्का बेहोश हो जाती है और जैसे गिरने लगती है तो राजवीर अपनी बाहों में उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। राजवीर को अनुष्का को ऐसे ले जाते हुए समीर और काव्या देखते हैं। तभी वो अनुष्का के पास भागते हुए आते हैं। समीर राजवीर को कहता है, भाई ये क्या हुआ भाभी को। तब राजवीर कहता है, अरे कुछ नहीं बस चक्कर आया है। राजवीर का नॉर्मल बर्ताव देखकर समीर को राजवीर पर शक होता है और वो राजवीर के पास जाकर कहता है, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है ना, कहीं तूने शादी से पहले भाभी को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया। भाई ऐसा हुआ तो घर के सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, भाई तूने क्या किया, तूने अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रखा। अब क्या करें, अगर भाभी सच में प्रेग्नेंट है तो तूने ये सब कब किया और भाभी कैसे मान गई, भाई तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। समीर की बातें सुनकर काव्या और राजवीर समीर को देखते ही रहते हैं। तभी राजवीर समीर से कहता है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। राजवीर मन में कहता है, वैसे प्रेग्नेंट करना बुरा आइडिया नहीं है। राजवीर को खोए हुए देखकर समीर कहता है, तो बता भाभी बेहोश कैसे हो गई। अरे यार कुछ भी नहीं, उसे बस शौक लगा, मैंने बस इतना कहा कि ये होटल मेरा है, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे सकता हूँ। ये सब सुन के इसकी ये हालत है, बताओ अब ये सच में पागल लड़की है या नहीं। बाकी की लड़कियाँ अपने पति की प्रॉपर्टी पर हक जमाती है पर ये प्रॉपर्टी देखकर बेहोश होती है। तभी काव्या कहती है, अब इसे होश में कैसे लाएं। तभी राजवीर पूरा पानी का भरा हुआ जग अनुष्का पर उड़ेल देता है। राजवीर के इस बर्ताव पर अनुष्का होश में आती है और घूरकर राजवीर को देखती है और कहती है, बेवकूफ इंसान तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी बेहोश इंसान को कैसे उठाते हैं, मुझे पूरा भिगा दिया। राजवीर मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम देखते रहना, तुमसे बदला ना लिया ना तो मेरा नाम अनुष्का नहीं। अनुष्का राजवीर पर बहुत गुस्सा थी। तभी समीर बीच में कहता है, अरे भाभी भाई को तो आपकी फिक्र थी और कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हो। तभी राजवीर कहता है, अनुष्का तुम्हें जो करना है वो करो पर एक बात याद रखना, मुझे अपनी बात तुमसे मनवाना अच्छी तरह से आता है। तभी अनुष्का की कार का सीन याद आता है तो अनुष्का गुस्से से कहती है, राजवीर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
तुमने मुझे इतना परेशान किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तब राजवीर कहता है, पहले ढंग से चलना सीखो, बाद में मुझसे बदला लेना। तभी समीर और काव्या कहते हैं, बस करो यार, तुम्हारी 5 दिन में शादी है और तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। किसी बड़े ने देखा तो क्या सोचेंगे वो तुम दोनों के बारे में। और चुप करो और दोनों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा संगीत है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगला वाला एपिसोड में क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर अपने अपने कमरे में तैयार होने जाते हैं। अनुष्का ने आज संगीत के लिए ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था। उसने पूरा लुक काफ़ी अच्छा किया था। खुद को आईने में देखकर अनुष्का कहती है, यार काव्या, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। तभी काव्या कहती है, हाँ मेरी जान, तू कुछ भी पहन ले, तू हमेशा खूबसूरत लगती है। पर आज राजवीर तुझे देखकर कहीं खो ना जाए, तो इतनी खूबसूरत है, तभी तो राजवीर तेरे पीछे लट्टू है। अनुष्का कहती है, उस बदतमीज का नाम भी मेरे सामने मत लेना, पता है तुम्हें कितनी बदतमीजी करता है मेरे साथ। तभी काव्या कहती है, अरे पागल, उसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। नहीं काव्या, तुम इस बार गलत हो, मैं ये शादी सिर्फ अपने पापा के कहने पर कर रही हूँ। राजवीर को मेरी बात समझनी चाहिए, भले ही मैं उससे शादी कर रही हूँ पर उसे मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। काव्या मन ही मन में कहती है, अनुष्का, राजवीर ने तुमको कितना टाइम दिया है ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। अनुष्का काव्या से कहती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी राजवीर मेरे पास आता है तो दिमाग कहता है उसे दूर रहो, पर दिल उसे दूर नहीं हो पाता, कुछ तो खास है उसमें। मैंने कितनी बार राजवीर को अपने से दूर किया पर उसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे सताने के लिए पहुंच जाता है। आज तो उसने हद ही कर दी, मुझे गाड़ी में किस किया और तो और पूरा पानी का जग मुझ पे फेंक दिया, अब देखो मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। तभी काव्या अनुष्का से कहती है, बस कर मेरी माँ, वो तेरा होने वाला पति है और तू उसे बदला लेगी। काव्या की बात सुनकर अनुष्का कहती है, तुझे पता है ना मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं, ये कहकर अनुष्का हंसने लगी। तभी अनुष्का के रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। अनुष्का के सामने राजवीर की माँ पूनम थी। वो अनुष्का को देखकर कहती है, वाह मेरी बेटी, तू आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, मेरे इस गधे बेटे ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है जो तुम्हें पसंद किया, मुझे इतनी खूबसूरत और अच्छे दिल की बहू मिल गई। ये कहकर पूनम जी कहती है, बेटा चलो, अब सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पूनम जी की बात सुनकर अनुष्का सीढ़ियों से नीचे जाती है। अनुष्का सीढ़ियाँ उतर ही रही थी तब राजवीर की नज़र अनुष्का पर जाकर रुक जाती है। राजवीर अपने आप को अनुष्का के पास जाने से नहीं रोक सका और अनुष्का के कान के पास जाने लगा। इस बात से अनुष्का घबरा गई और कहने लगी, राजवीर ये क्या कर रहे हो, सब लोग यहाँ देख रहे हैं, दूर रहो मुझसे। अरे मैं तो ये बताना चाहता था कि तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, अगर तुम चाहती हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुष्का शर्म से लाल होती है और कहती है, बदतमीज इंसान, तुम एक मौका मत छोड़ना मेरे पास आने का, अभी तक हमारी शादी हुई नहीं है तो दूर रहो मुझसे। राजवीर अनुष्का को बस छेड़ रहा था तभी संगीत शुरू होता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो अगले एपिसोड का वेट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, राजवीर और अनुष्का की शादी इतनी आसानी से हो जाने वाली है, अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।